हाय फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज जो है फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि किस तरह से जो है आपको एमआई का टीवी का जो है इसका अपॉइंटमेंट बुक करना है इंस्टॉलेशन के लिए। तो इसके लिए जो है फ्रेंड्स, हमें पहले जो है एमआई का जो टोल फ्री नंबर है उस पर कॉल कर लेना है। और कॉल करने के बाद हमारे पास एक लिंक आता है, उस लिंक पर जो हमें क्लिक कर लेना है। और वहाँ पर क्लिक करने के बाद जो है हमें सीरियल नंबर को जो है टाइप कर लेना है कुछ इस तरीका से। और फ्रेंड्स, यहाँ पर जैसे हम सीरियल नंबर दबा देते हैं, उसके बाद जो है हम इसे सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद जो है ये अपना पेज जो है पूरा खुल जाएगा। और उसके बाद जो है फ्रेंड्स, हमें यहाँ पर पूरा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन फिल करना है, जैसे कि हमारा जो प्रोडक्ट है ये टीवी है रेडमी स्मार्ट, ये सीरियल नंबर से आ गया। और अभी जो है फ्रेंड्स, हमें यहाँ पर इंस्टॉलेशन सेलेक्ट कर लेना है। और टाइप ऑफ इंस्टॉलेशन में जो है फ्रेंड्स, टेबल टैप एंड वॉल माउंट, तो हम यहाँ पर जो है वॉल माउंट सेलेक्ट करेंगे क्योंकि हमें जो है इसे वॉल पर लगाना है। और यहाँ पर जो है फ्रेंड्स, वॉल माउंट स्टैंड रिक्वेस्ट, तो हमें जो है 43 इंच का हमारा टीवी है, तो हम 43 इंच के लिए जो है 499 मतलब 500 रुपीज़ हम पे करने वाले उसके लिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है हमें एड्रेस सेलेक्ट कर लेना है, तो हमारा जो एड्रेस है वो हम यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। और उसके बाद जो है फ्रेंड्स, हमें यहाँ पर पिन कोड को फिल कर देना है। और फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है हमारा नियरेस्ट लैंडमार्क, तो हमारा जो ये एरिया है ये स्टेडियम के नज़दीक है, तो हम जो है इसे सेलेक्ट कर लेंगे कासा स्टेडियम। तो फ्रेंड्स, ये जो है हमारा आ चुका है यहाँ पर। तो इस तरह से जो है हमें एड्रेस को काफ़ी अच्छे से जो है सेलेक्ट कर लेना है। तो अपना जो इंजीनियर आएगा वो इसी एड्रेस पर आएगा, और इस एड्रेस पर आकर जो है वो हमें कॉन्टेक्ट करेगा। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर जैसे मतलब कस्टमर नेम ये सब जो है खुद ब खुद ही आ गया है, ईमेल एड्रेस भी आ चुका है। यहाँ पर जो है फ्रेंड्स, हमारा एक जो मोबाइल नंबर है इसमें थोड़ा गलती हो रहा है, तो इसमें जो है फ्रेंड्स ओनली 10 डिजिट अलाउड है, लेकिन यहाँ पर जो है 0 आ गया है पहले, तो इसे जो है हम लोग को रिमूव कर लेना है। और फ्रेंड्स, एक बार जो है हम लोग देख लेते हैं अच्छे से। और फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है अल्टरनेट मोबाइल नंबर जो है हमें ये भी डाल देना है, एक अल्टरनेट मोबाइल नंबर ना डालेंगे, नहीं डालेंगे तभी भी चलेगा, क्योंकि ये इतना मैंडेटरी नहीं है, उस पर जो है स्टार मार्क नहीं दिया हुआ है। सो फ्रेंड्स, अभी जो है हम लोग अपना यहाँ नंबर जो है इसे करेक्शन कर लिया, और अभी जो है हम लोग अल्टरनेट मोबाइल नंबर भी डाल देंगे। ये फ्रेंड्स, हमने अल्टरनेट मोबाइल नंबर भी डाल दिया। और अभी जो है फ्रेंड्स, सिटी हमारा आ चुका है, लेकिन स्टेट जो है ये ऑटोमेटिकली मेघालय आ चुका है, लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि हमारा जो पिन कोड है वो सही है, और हमने जो एड्रेस फिल किया था वो भी कम्प्लीटली सही है। तो यहाँ पर जो है फ्रेंड्स, हमें डेट सेलेक्ट कर लेना है कि किस तरीके जो है हमें इसका इंजीनियर आके जो है मतलब हमारा टीवी को वॉल पे कब माउंट करना है, उसका जो है हमें डेट सेलेक्ट कर लेना है, अपॉइंटमेंट डेट। तो यहाँ पर जो है हम अपॉइंटमेंट डेट सेलेक्ट कर लिए है 12/8, और यहाँ पर जो है हम टाइम स्लॉट भी सेलेक्ट कर लेंगे। और उसके बाद जो है फ्रेंड्स, हमें जो है यहाँ पर थोड़ा डिस्क्रिप्शन लिखने के लिए आया है, तो यहाँ पर जो है हम लिख देंगे कि हमें जो है मतलब टीवी इंस्टॉलेशन करना है, तो इसे जो है हम लिखने के बाद जो है हम यहाँ पर इसे सबमिट कर देंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है आपको क्लिक कर लेना है बाय फिलिंग द योर डिटेल्स, और उसके बाद जो है हमें कर लेना है सबमिट। और सबमिट करने के बाद जो है फ्रेंड्स, अपना जो अपॉइंटमेंट है वो कंफर्म हो गया, और अभी जो है हमारा 12 तारीख को जो है हमारा इंजीनियर आ जाएगा घर पे। सो फ्रेंड्स, हाँ, हम लोग ने जो सर्विस रिक्वेस्ट डाला था अपना रियलमी का जो टीवी के लिए इंस्टॉलेशन का, तो आज जो है हमारे घर पे टेक्नीशियन आ चुका है। तो अभी जो है यहाँ टीवी का जो कार्टून है इसे अनबॉक्स कर रहे हैं वो, क्योंकि ये जो है फ्रेंड्स, हम लोग अपना से अगर अनबॉक्स करते हैं तो इसमें अगर ये डैमेज निकलता है तो जो है मतलब काफ़ी मुश्किल हो जाता है रिप्लेसमेंट के लिए। तो अभी जो है मतलब टेक्नीशियन खुद से अनबॉक्स कर रहे हैं, और अभी जो है अगर कुछ यहाँ पे फॉल्ट मिलता है तो ये जो है काफ़ी आसानी से जो है इसका रिप्लेसमेंट मिल जाएगा कंपनी से। सो फ्रेंड्स, अभी जो हम लोग वेट करता है और देखता है कि कैसा कंडीशन में, और इसे किस तरह से जो है इसे फिट करना है, टीवी को किस तरह से इसे इंस्टॉल कर लेना है। सो फ्रेंड्स, हम लोग ने जो है ना अभी यहाँ कार्टून से निकाल कर जो है इसका जो प्लग है उसे लगा कर हम चेक कर लिए, टीवी जो है ओके है, कोई डैमेजेस नहीं है इसमें। और अभी जो है फ्रेंड्स, इसे जो है हम यहाँ वॉल पर माउंट करेंगे,
क्योंकि पहले जो है हमारा ये टीवी आप देख सकते हैं बच्चा लोग ने जो है तोड़ दिया, तो इस बार हम जो है यहाँ वॉल पे माउंट करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स अभी जो है हम लोग अपने वाला जो टीवी है इस टीवी को जो है वॉल पे माउंट करने वाले हैं, तो इसलिए जो है हमें ये दोनों साइड में जो अपना ये माउंटिंग के लिए आता है साथ में, तो इसे जो है मतलब टाइट कर लेना है और इसे जो है पूरा मिला के टाइट करना है, नहीं तो ये अपना जो है अप डाउन हो जाएगा। तो इसे जो है हम अच्छे से टाइट कर लेंगे और टाइट करने के बाद जो है फ्रेंड्स हमारा जो वॉल माउंटिंग के लिए जो मतलब ब्रैकेट्स वगैरह जो भी आए हैं उसको हम लोग जो है दीवार पे पहले फिक्स कर लेंगे, और फिक्स करने के बाद जो है फ्रेंड्स अपना टीवी को जो है वहाँ पर हम माउंट करेंगे। सो फ्रेंड्स ये वाला जो अपना वॉल का जो ब्रैकेट है वॉल माउंटिंग स्टैंड जो है ये स्टैंड जो है हम जब इसका जो इंस्टॉलेशन का रिक्वेस्ट जब डालते हैं MI पे जो ऑनलाइन रिक्वेस्ट डालते हैं उस समय जो है हमारा ये उस पर ऑप्शन आता है कि हमें जो है इसे टेबल पे स्टैंड करना है या वॉल पे माउंट करना है। तो अगर हम वॉल पे सेलेक्ट करते हैं तो उसमें जो है मतलब ये हमारा ब्रैकेट आ जाता है, और ब्रैकेट का जो है फ्रेंड्स कुछ मिनिमम चार्जेस है जो कि हमें पे करना पड़ता है जब हमारा घर पे जब आते हैं सर्विस इंजीनियर, तो उन्हें जो है हमें वो पैसा जो है पे करना पड़ता है, वो जो अमाउंट हमारा आएगा वो। सो फ्रेंड्स हमने जो है अपने ये जो है हमारा बेढ़ा का वाल है, लेकिन हमने जो है इसे ड्रिल कर लिया है और ड्रिल कर कर जो है अपना स्टैंड जो है हम इस पर फिक्स कर दिए है। और जो फ्रेंड्स अपना जो ये स्क्रू है ना, इस स्क्रू को जो है हमर की मदद से इस पर मारना नहीं है बल्कि रेंच से जो है हमें इसे टाइट कर देना है, नहीं तो क्या होता है इसके अंदर का जो थ्रेड है ना वो थ्रेड टूट जाता है, तो वो जो है लूज़ हो जाता है। सो फ्रेंड्स आशा करता हूँ कि आप समझ चुके होंगे कि अपना जो ये टीवी हम अगर ऑनलाइन परचेज करते हैं तो इस ऐसे में जो है हमें टेक्नीशियन जो अपना सर्विस रिक्वेस्ट होता है उसे बुक कर लेना है, और क्योंकि ये जो है फ्री ऑफ कॉस्ट है सिर्फ हमें जो है इस स्टैंड का प्राइस ही पे करना पड़ता है। सो फ्रेंड्स कभी भी जब आप टीवी ऑनलाइन ऑर्डर कराएं तो आप जो है मतलब ऑनलाइन बुकिंग करवा लें, घर पे फ्री इंस्टॉलेशन हो जाएगा। और फ्रेंड्स कोई अगर सामान अगर ख़राब भी मिलता है तो वो जो है आपका एक्सचेंज भी हो जाएगा आसानी से। सो फ्रेंड्स वीडियो में बने रहिए, अभी जो है हम लोग किस तरह से लगा रहे हैं वो कंप्लीट आप लोग इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा यहाँ इस वीडियो में। अभी जो है ये कम्प्लीटली रेडी हो चुका है। सो फ्रेंड्स अभी जो है ना हम लोग का टीवी जो है ऑन हो रहा है, और ये वाला जो टीवी है ना फ्रेंड्स ये सेम टू सेम मोबाइल के जैसा ही है। यहाँ पर जो है हमें सेटिंग्स में जाकर जो है वाईफाई के थ्रू कनेक्ट कर लेना है अपने टीवी को, और उसके बाद जो है हम यहाँ पे आसानी से मतलब नेटफ्लिक्स यूट्यूब सब मतलब यहाँ पर चला सकते हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग है, काफ़ी मज़ा आने वाला है। और यहाँ पर जो है फ्रेंड्स हम अगर टाटा स्काई लगाना चाहें तो वो भी हम लगा सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है यूट्यूब गूगल प्ले ये सब खुल चुका है, प्ले स्टोर भी खुल चुका है। तो यहाँ सेटिंग्स में जो है ऊपर में सेटिंग्स जो है उस सेटिंग्स से जो है हम यहाँ पर वाईफाई जो है कनेक्ट कर सकते हैं। अभी जो है ये कनेक्टेड नहीं है लेकिन हो जाएगा, अभी हम लोग कनेक्ट करेंगे इसे सेटिंग्स में जाकर। तो यहाँ पर जो है नेटवर्क आ रहा है, नेटवर्क पे हमें क्लिक कर लेना है, और यहाँ पर से जो है क्लिक करके हमें नेटवर्क सेलेक्ट कर लेना है।